हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर बीरेन्द्रस बायोलॉजी चैनल को समस्त को पुणि थरे स्वागत। कंटिन्यू करथले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर तिले एही चैप्टर रे लॉन्ग क्वेश्चन नाही, किंतु मन रखिब लॉन्ग क्वेश्चन आसे। केमिति आसे? दुईटा रु तीनटा शॉर्ट नोट मिसे कि पचार दे, दुईटा नहले तीनटा शॉर्ट नोट मिसे कि एका संगे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भली पचार दे। तो सेथि पई एही चैप्टरटा शॉर्ट नोट बहुत इम्पोर्टेंट। शॉर्ट नोट जिते ही चैप्टर रे मैक्सिमम कवर करी परिबो तुम पाई भलो। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करिबा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट होची वैक्सीन। वैक्सीन तो वैक्सीन कौन टिक्के आगो बुझे दिए पिले मैंने वैक्सीन व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन ना बहुत थर तुम मैंने सुनी थी वो कोवैक्सीन कोविड टाइम रे। तो वैक्सीन कौन एक्चुअली व्हाट इज वैक्सीन आगो मु बुझे दिए तापर तुम मानको नोट को नहीं आसी। लेट एटा होची गोटे ह्यूमन बॉडी पिले गोटे ह्यूमन बॉडी नहीं जावा। दिस इज द ह्यूमन बॉडी। तुम कही ह्यूमन बॉडी को जदि कौन से डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म अटैक करे कहे पाथोजेन। पाथोजेन माने डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म समस्त जान। पाथोजेन कौन पिले गोटे बैक्टीरिया हो पारे पाथोजेन, गोटे भाइरस हो पारे पाथोजेन, गोटे प्रोटोजुआ हो पारे पाथोजेन, एनिथिंग किसी भी हो पारे। तो जदि गोटे पाथोजेन पिले एंट्री करे गोटे ह्यूमन बॉडी भितर गोटे एनिमल बॉडी भितर को तो सेने कौन करती डिजीज करती ऐसा न समस्त को यहाँ जना अच्छे। किंतु तुम मैंने जाच डिजीज कजिंग एजेंट को मारियापाई आम बॉडी रे गोटे सिस्टम अच्छी इम्यूनो सिस्टम। तो सीटा मुझे पढ़ी सारी इनेट इम्यूनिटी आक्वायर्ड इम्यूनिटी भितर डिफरेन्स जब देख प्रीवियस क्लासेस गुड़ाक जा देख। तो अलरेडी प्लेलिस्ट अच्छी जुलोजी शॉर्ट नोट एंड डिफरेन्स जुलोजी सब वीडियो बटनी पाई अच्छी बटनी शॉर्ट नोट एंड डिफरेन्स प्लेलिस्ट तो सेठी देखी पारिबो। तो वर्तमान आमे जीवा कौन वैक्सीन कौन पिले जेते बेले गोटे पाथोजेन टा एंट्री करे एटा होची पाथोजेन। लेट एटा होची पिले पाथोजेन पी लिखि दोची दिस इज द पाथोजेन पी एंट्री करी गला। ये डिजीज करिवा पूर्वरु पिले कौन हुए जेते बेले ये एंट्री करे आम बॉडी रे किछटा सेल अछंती पिले कहिदिली तमानकु टी लिम्फोसाइट फास्ट चिन्हि पारेकु आउ बी लिम्फोसाइट। फास्ट टी लिम्फोसाइट चिन्हि जाए बी लिम्फोसाइट गोटे केमिकल प्रोड्यूस करे प्रोटीन ताको कहा जाए एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन शॉर्ट लिखि दोचे आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जेटा पूर्व क्लास रे पढ़ी सारी। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे आईजी ए आईजीटा जाए न्यूट्रलाइज कर दिए। न्यूट्रलाइज माने किल कर दिए पाथोजेन को किल कर दिए। तो पाथोजेन को किल कर देले से डिजीजटा हमको हुए ना हुए ना। किंतु पिले वैक्सीन कौन वैक्सीन होची मन रखिब इनएक्टिवेटेड पाथोजेन। इनएक्टिवेटेड पाथोजेन कौन पिले दीटा ये लिखी गोटे खाली पाथोजेन। खाली पाथोजेन माने जे डिजीज कराए इनएक्टिवेटेड पाथोजेन माने जो पाथोजेन रो डिजीज कजिंग आबिलिटी टाक नष्ट कर दिया जाए थी ताने सी आउ भितर को गले डिजीज करनी। किंतु पिले से इंड्यूस करम इम्यूनो सिस्टम को आम इम्यूनो सिस्टम ताको भाविब पाथोजेन बोली किंतु सेमाने इनएक्टिव होइकि थिबे इनएक्टिव डिजीज करै पार नथिबे ताले कौन हेतिव सिचुएशन पिले देखि दउची डायग्राम करिकि ध्यान से सुनो। एटा कहितली पूर्व पिक्चर रे कौन थिला ह्यूमन बॉडी थिला सेठी पाथोजेन एंट्री कला। पाथोजेन एंट्री कला परे कौन कला टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट चिन्हि गले बी लिम्फोसाइट आईजी प्रोड्यूस कला। इनएक्टिवेटेड पाथोजेन पिले लिखि दउची इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड पाथोजेन गोटे अच्छी इनएक्टिवेटेड पाथोजेन केमती तैयारी करा जाए पिले लैबोरेटरी साइंटिस्ट माने तैयारी करती। इनएक्टिवेटेड पाथोजेन को छाड़ी दिया जाए ह्यूमन बॉडी भितर। इनएक्टिवेटेड पाथोजेन को छाड़ी देले कौन हो पिले से पाथोजेन भली एंट्री करिब किंतु डिजीज करनी पिले डिजीज करनी रोग आउ करनी कारण इनएक्टिव परा इनएक्टिवेटेड पाथोजेन। किंतु से टी लिम्फोसाइट आउ बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस करेब ताले बी लिम्फोसाइट ताको भाविब पाथोजेन बोली किंतु ता पाखरे पाथोजेन रो कैपेसिटी किछ नथिबो किंतु पाथोजेन जेमित देखा जाए एक्जाक्टली सेम देखा होतबो। तो टी लिम्फोसाइट चिन्ह जीवो एटा को पाथोजेन बोली बी लिम्फोसाइट आईजी प्रोड्यूस करिवो आईजी माने एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो से इम्यूनोग्लोबुलिन गुडा जो गुडा प्रोड्यूस हेबे जेहेतु या पाखरे डिजीज करिवार एबिलिटी नाही तो आंकु किल करिवा दरकार नाही एई आईजी गुडा स्टोर हेक रहिबे। तो स्टोर हेक रहिले कोन हबो पिले फायदा कोन ताले वैक्सीन दबार फायदा कौन है पिले आमे दे थिले इटी कौन इनएक्टिवेटेड पाथोजेन। जदि फ्यूचर रे
କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସେ, ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍। ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ପିଲେ, ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଥିବ, ଅଲରେଡି ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇକି ଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ସାରିଛେ ପାଥୋଜେନ୍କୁ, ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍। ତ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍କୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଇଏ ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କାମ ହେଉଛି ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ରଖିଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ପିଲେ, ତମେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଳି। ତମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ରିଏଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତମର ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ତମକୁ ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତମେ ଦେବ ଆଉ ବହୁତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ପାଥୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡି ଆମର ଭାବିଲା ଏଇଟାକୁ ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍, ଭାବିକି ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଭାବ, ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ପାଥୋଜେନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଣ୍ଟିବଡି ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ଆଇଜି ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଫାଇଦା କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଆର୍ ଗିଭେନ୍, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଇଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଆଇଜି ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅର୍ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେବା ପିଲେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି କହିସାରିଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ କିଲ୍, କିଲ୍ ଦ ପାଥୋଜେନ୍, ପାଥୋଜେନ୍କୁ କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମ ଅର୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତାହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଆକ୍ଟିଭ ନା ପାସିଭ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଆକ୍ଟିଭ ପାସିଭ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଡିଫରେନ୍ସ ପଢ଼ାଇ ସାରିଛି। ଯଦି ତମର ଆଣ୍ଟିବଡିଟା ନିଜ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ, ଯଦି ବାହାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପାସିଭ। ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଥୋଜେନ୍ ଦେଲେ, ପାଥୋଜେନ୍ ତ ବାହାରୁ ଯିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଆଣ୍ଟିବଡି କେଉଁଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପିଲେ, ଆଇଜି। ଦେଖ, ଆଇଜିଟା ଏଇ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ନା ବାହାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଭିତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ୱାର୍ଡ, ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ୱାନ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ। ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ କରିଦେବନି ପିଲେ, ପ୍ୟାସିଭ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିବଡିଟା ବାହାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ମଦର ମିଲ୍କ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପିଲେ, ମଦର ମା କ୍ଷୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ସେ ଖାଉଛି, ତା ପେଟ ଭିତରକୁ କିଛିଟା ଆଣ୍ଟିବଡି ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ମା ବଡିରୁ ଗଲା, ତା ବଡି ଭିତରକୁ ବାହାରୁ ଗଲା। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍କ ଖାଏ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାସିଭ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମିଲ୍କ, ମଦର୍ସ ମିଲ୍କ ଗିଭ୍ସ ପ୍ୟାସିଭ ଇମ୍ୟୁନିଟି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଇନେଟ୍ ହେବନି, କାରଣ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଇନେଟ୍ ମାନେ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଥିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ନୋଟ୍କୁ, ଦେଖ ପିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଫ୍ ପାଥୋଜେନ୍। ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖା ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଫ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ମାନେ ପାଥୋଜେନ୍ର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବେ। ଆରେ ପାଥୋଜେନ୍ ଗଲେ ତ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ଆଣ୍ଟିବଡି, ତ ଏଇ ପାଥୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି କୁହାଯାଏ, ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ତ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଅଫ୍ ପାଥୋଜେନ୍, ଏଇ ପାଥୋଜେନ୍ର ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଅର୍ ଅର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍ସ କହିସାରିଛି। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିଷ୍ଟର୍ଡ, ଆଡମିଷ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ବଡି ଭିତରୁ, ଆଡମିଷ୍ଟର୍ଡ, ଆଡମିଷ୍ଟର୍ଡ ଟୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ରିସିପିଏଣ୍ଟସ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ରିସିପିଏଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲେ ଯିଏ ନିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯାହା ବଡି ଭିତରୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ବଡି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିସିପିଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଯିଏ ଯିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ରିସିପିଏଣ୍ଟ। ତା ବଡି ଭିତରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପିଲେ, ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଫ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଅର୍ ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ କ'ଣ, ଇନାକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଫ୍ ପାଥୋଜେନ୍ ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ଡ ଟୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍, ଖାଲି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବ, ଟୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ରିସିପିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ନେବ ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି, ଦି ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦିଜ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ସ ଉଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଦ ପାଥୋଜେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍। ପିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଛି ପିଲେ, କ'ଣ,
जो आंटीबॉडी गुड़ा प्रोड्यूस हो दि आंटीबॉडीज और आईजी एटा कहा जाए इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी दि आंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी। एबे जो वैक्सीन दे देले माने एंटीजेनिक प्रोटीन दे देले ता अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो दि आंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट दीज एंटीजेन्स। दीज एंटीजेन माने ऊपर जो लिखा है एंटीजेनिक प्रोटीन उड न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज माने किल, उड किल द पाथोजेनिक एजेंट। पाथोजेनिक एजेंट माने जे डिजीज कराती ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन और रियल इन्फेक्शन जोटा कहली जितेबाला रियल इन्फेक्शन हम एवं कितु आकचुआल इनफेक्शन हो नाला पे आम जो भैक्सीन टा जिते देटा हूँ इनआक्टिवेटेड पाथोजेन, इट इज नॉट एक्चुअल पाथोजेन। किंतु जो एंटीबॉडी गुड़ा प्रोड्यूस हो भैक्सीन देलापर से एक्चुअल पाथोजेन को किल करेंगे, न्यूट्रलाइज मैंने किल। तो दस यहाँ हूँ वन मार्क क्वेश्चन, ए भैक्सीन इज बेसिकली एन आंटीजेन और इट्स कंपोनेंट गोटे आंटीजेन, आंटीजेन मान पाथोजेन बोले आंटीजेन जहाँ पाथोजेन से पाथोजेन माने डिजीज करांती, एंटीजेन माने एनीथिंग व्हिच एंटर्स इनटू बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, आमर बाहर बॉडी भितर को जहाँ एंट्री करे सेटा कहे एंटीजेन। तो से वैक्सीन रा आउट डेफिनेशन लिखला वैक्सीन इज बेसिकली आन एंटीजेन और इट्स कंपोनेंट, गोटे एंटीजेन हो पारे नहले तार गोटे कंपोनेंट हो पारे पार्ट हो पारे दैट इंड्यूस व्हिच इम्यूनिटी लिखाई देख एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन पाई एक्टिव है बुझे सारी बॉडी भितर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो बाहर नुहे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द होस्ट, इन द होस्ट माने जहाँ बॉडी को जाए वैक्सीन टा सेटा को जे होस्ट ता बॉडी को जे होस्ट प्रोड्यूसिंग टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी केमती आसे होस्ट भितर टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुए बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुए आउ बी लिम्फोसाइट गुड़ा ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। तो नेक्स्ट पॉइंट को जी वैक्सीन अल्सो जेनेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स पीले जो टी लिखिली टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ता भितर मु डिफरेंस तुम मानको बुझे सारी टी माने कौन कमेंट रे कहो व्हाट इज बी, टी आउ बी भितर डिफरेंस कौन, टी माने कौन, टी टा कोठु आसी बी टा कोठु आसी जल्दी कमेंट रे कहो। तो वैक्सीन अल्सो जेनेट मेमोरी, मेमोरी माने पीले कि मेमोरी सेल या ये तो नर्माल टी आउ बी सेल कि मेमोरी बी आउ टी सेल जो माने अलरेडी मन रखी दिखती मेमोरी माने कौन मन रखा। तो मेमोरी टी आउ बी सेल किछटा प्रोड्यूस हुए वैक्सीन देले जो माने कि रिकॉग्नाइज करि परंती एई पाथोजेन पई आमे तयारी हिच त माने एई पाथोजेन कि एई एंटीजेन आसीले आमे ताको किल करिबा। जेमती मु पूर्वर त मानु देखै देली पिले गोटे बॉडी भितरे आमे इनएक्टिवेटेड पाथोजेन आई एंट्री करथले आईपी लिखि दउछि इनएक्टिवेटेड पाथोजेन जेतबेले रियल पाथोजेन और एक्चुअल पाथोजेन आसतला ताको से माने मार दउथले। तो ता माने कौन होतला इनएक्टिवेटेड पाथोजेन जितेबेला आमे एंट्री करथले से किछटा मेमोरी सेल प्रोड्यूस कर दउथला भितरे। तो मेमोरी सेल उडा चिन्हिक रखुथले एई पाथोजेन आसिले आमको काम करिवार अछि। तो वैक्सीन सेति पई वैक्सीन कहला वैक्सीन अल्सो जेनरेट, जेनरेट माने प्रोड्यूस करिबा, वैक्सीन जेनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज माने चिन्हि पारे पाथोजेन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड हेल्प्स इन मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मैसिव माने लार्ज अमाउंट रे। ता माने से कहला वैक्सीन जे नहीं थी जिते वैक्सीन दि जाए मेमोरी टी आउ बी सेल जो प्रोड्यूस हुए से रिकॉग्नाइज चिन्ह पारती पाथोजेन को क्विकली, क्विकली माने बहुत शीघ्र एंड हेल्प्स इन मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बहुत मात्रा रे तैयारी करिवारे हेल्प करती। तो शॉर्ट नोट रे ये सब जिनसे लिखा पड़ो। नेक्स्ट कहे देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीन पीले यही पॉइंटा ये इंपोर्टेंट नुहे टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन कौन टाइप गोटे हूँ पे लाइफ लाइक नेचुरल डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स लाइक कौन कौन गोटे हूँ नेचुरल लाइफ किसीटा पिले वैक्सीन अच्छा नेचुरल लाइफ लाइफ मैंने बंचिकी थी नेचुराली जमी अच्छा सेमती तो सेमती टाइप रिचा वैक्सीन अच्छा लाइफ एक्टिन्यूटेड लाइफ मैंने बंची थे एक्टिन्यूटेड मैंने इनआक्टिव, इनआक्टिव मैंने पिले डिजिज कर पार नए तो लाइफ एक्टिन्यूटेड वैक्सीन अच्छा सेमती इनआक्टिवेटेड टॉक्सॉइड अच्छा पिले जो टीटी नौ जो पिले टीटानस टॉक्सॉइड से कहुए तो सीटा हूँ इनआक्टिवेटेड टॉक्सॉइड पॉलीसैकेराइड्स वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट एंटीजेन वैक्सीन लाइव वेक्टर वैक्सीन डीएनए वैक्सीन एगुड़ा टाइप एत इंपोर्टेंट नुहे सब जिन मन रखा दरकार ना खाली जदि लिखु न लिखले भी चलो ये पॉइंटा जदि लिखु कि खाली टाइप लिखिदेव लाइफ एटेनुएटेड नेचुराल लाइफ वैक्सीन इनआक्टिवेटेड टॉक्सॉइड एमती लिखिपार किंतु एबे जो लास्ट पॉइंटा कहक चाहूँगी पिले एटा होची वन मार्क तुम्हारा इंपोर्टेंट बहुत थर ये क्वेश्चन आसी वन मार्क रे बीसीजी मन रखियो बीसीजी गोटे वैक्सीन जार फुल फॉर्म होची बैसिलस क्लामिट ग्वेरिन एटा फुल फॉर्म पचारे नहीं बीसीजी डायरेक्ट पचारे इट इज ए कॉमनली यूज्ड वैक्सीन अगेंस्ट टीबी ट्यूबरकुलोसिस एटा बहुत थर ये क्वेश्चन आसी पिले
व्हाट इज द वैक्सीन फॉर टीबी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस रो वैक्सीन होची बीसीजी वैक्सीन। मन रख इजिली मन रही जो पिले टी बी बी रे एंड होती तार वैक्सीन बी रु स्टार्ट हे बीसीजी। जमी तुम कोविड टाइम नहीं कोवैक्सीन कोविशील्ड डिफरेन्ट टाइप रैक्सीन पे एथसत आम वैक्सीन सर्ट नोट कम्प्लीट है। एवं जावा गोटे सर्ट नोट आड़ को आउ गोटे सर्ट नोट आ गोटे सर्ट नोट यहाँ हूँ गोटे डीज पे गोटे डीज गोटे रोग विषय आम पढ़ा। ये डीजर नाँ हूँ आमोय बायोसिस और आमोबिक डिसेंट्री। आमोय बायोसिस और आमोबिक डिसेंट्री तो आमोबा ना रु स्टार्ट तो से आमोबा कराए आमोय बायोसिस। तो पाथोजेन फास्ट पॉइंट हूँ पाथोजेन पे पाथोजेन कौन कही सारी जे डीज कराए डीज कजिंग एजेंट को कहुए पाथोजेन। तो आमोय बायोसिस इज कॉज्ड बाय पाथोजेन डायरेक्ट पे पॉइंट वाइज लिखा जाए एंटामोय बाय हिस्टोलिटिका। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर ये क्वेश्चन पे आसी बहुत थर वन मार्क आस कि व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ आमोय बायोसिस। आमोय बायोसिस किए कराए एंटामोय बाय हिस्टोलिटिका यहाँ हूँ पे गोटे प्रोटोजोआ मन रख यहाँ बैक्टीरिया नुहे ये गोटे प्रोटोजोआ यहाँ हूँ गोटे प्रोटोजोआ और अदरवैज बुले कि पचारे थोड़ा बिले बुले कौन पचारे एंटामोय बाय हिस्टोलिटिका कौ डिजीजा कराए एंटामोय बाय हिस्टोलिटिका कराए आमोय बायोसिस और आमोबिक डिसेंट्री। ये डिजीज़ रो ट्रांसमिशन देखिबा बे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन माने केमिति व्यापे एटा व्यापे माने स्प्रेड केमिति हुए ये डिजीजा आमोय बायोसिस जणु को हेले आउ जणु केमिति स्प्रेड हुए जेंति पले कोविड टाइम रे देखिथिबो कॉन्टैक्ट रे स्प्रेड हो जाए छुईले स्प्रेड हो जाए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन मेन हूँ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फिकल मैटर। जदि जन को आमोय बायोसिस हेइछि गोटे ह्यूमन को आमोय बायोसिस हेइछि आउ सी कौन करछि तार फिसेस गुड़ा फिसेस माने पिले जानिथिबो आमर मल क्लियर फिसेस तो स्टूल गुड़ा जदि ड्रिंकिंग वाटर आउ फूड रे मिसि जाइछि मेनली एटा पिले विलेज कंडीशन रे हुए कहीं देखिथ भिलेज कंडीशन रे गाँ गहली बेसी पोखरी पानी यूज करती पंड वाटर यूज करती। तो पंड वाटर रे फिकल मैटर किए आसला शौच है कौन है तो से पानी रे सब मिसी जाए तो से ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फिकल मैटर। जदि फिकल मैटर मिसी जाइ ड्रिंकिंग वाटर आउ फूड रे से फूड कि वाटर जदि आमर बॉडी भितर गला देन वी कैन गेट दिस डिजीज आमोबायोसिस। सिम्टम पे पूरा इजिली पॉइंट वाइज करके लिखाई पूरा मन रखिया इजी आराम से तुम मैंने कर सिम्टम कौन हुए ये डिजीज हेले कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन माने आमर मलत्याग कला बेले कष्ट हबो फिसेस बाहर भारे कष्ट हबो आब्डोमिनल पेन जानिथिबो पिले मलत्याग करछ माने पेट प्रॉब्लम थिबो आब्डोमिनल पेन किछि घोसिबा दरकार ना इजी कॉन्स्टिपेशन आब्डोमिनल पेन क्राम्प्स बहुत जोर काटिबो पेट क्राम्प्स स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट पे ये क्वेश्चन टा आम एग्जाम रे नीट बेले पचार नीट जिते मुझे स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस जो स्टूल पे जो मलत्याग होते ब्लड पड़ू मलरे क्लीयर से स्टूल्स विथ म्यूकस म्यूकस मान जोटा आमर डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करके अच्छे म्यूकस जोटा लाल टाइप जिनस म्यूकस आ ब्लड पड़ू। मेकानिकल वेक्टर पे वेक्टर वेक्टर माने जे डिजीज को बोही नहीं जाए जे डिजीज को गोटे ह्यूमन ठू आउ गोटे ह्यूमन को नहीं जाए से हूँ हाउस फ्लाय। हाउस फ्लाय माने पिले ओडिया रे माछी जोटे जानछे माछी माने जदि से फिसेस रे से मळरे बसिथिबे ताले से मळरे किछि डिजीज थिबे जे केंटामोय बा हिस्टोलिटिका ऑर्गेनिज्म थिबे तो सेटा फ्लाय रो बॉडी रे कांटेक्ट रे आसले फ्लाय गुडा गोटे जगार आउ जो गोटे जगह को जिते उड़ती जाए कि बसंती देखिथ्व खाद्य प्राय बसंती माछी गुड़ा तो से समय डिजीज ट्रांसफर हो जाए से कहते गरम खाद्य खाइब गरम खाद्य खाइले माछी माने सेठी बस पारे तो डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म मरीजे। तो मेजर ऑर्गन अफेक्टेड कौ ऑर्गनटा बेसी अफेक्टेड हुए कौ ऑर्गनटा बेसी खराब हुए जमी अल्कोहल पीले जानते लिवर किरोसिस पीले हुए सेटा आसवा सब आग को स्मॉल इंटेस्टाइन एटी बेसी खराब हुए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आमोय बायोसिस और आमोबिक डिसेंट्री विषय जानले इजी सर्ट नोटे। एवं जीवा आउ गोटे क्वेश्चन पिले आउ गोटे क्वेश्चन जहाँ भितर डिफरेन्स पचार कौन से आमोय बायोसिस एंड फाइलेरियासिस। आमोय बायोसिस आउ फाइलेरियासिस या भितर डिफरेन्स पचार इजी अच्छी पिले से नहीं आसिले की कारण डिफरेन्स यहाँ थे पचार इम्पोर्टाट जदि ये डिफरेन्सटा पिले पढ़ीदेव
ତୁମର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଯଦି ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଢ଼େ ବି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଲେଖିଦେବ। ତ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ବି କଭର୍ ହେବ, ତୁମର ଡିଜିଜ୍ରେ ବି କଭର୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ବି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ କିଏ କରାଏ, ପଢ଼ିଲି ଏବେ ବିଲେ। ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଏ କଜିଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା, ଦି କଜିଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ବିଲେ। ସେମିତି ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ପିଲେ, ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟିଆସିସ୍, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟିଆସିସ୍। ଆଉ ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଆମୋଇବିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମୋଇବିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆକୁ କଲା ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକା, ଏଇଟା କରାଏ। ସେମିତି ଏଠି ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ଟା କିଏ କରାଏ, ଦି କଜିଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଉଶ୍ଚେରିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଉଶ୍ଚେରିଆ ମାଲାଇ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଉଶ୍ଚେରିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଉଶ୍ଚେରିଆ ମାଲାଇ। ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ପିଲେ ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଇଟା କହିସାରିଛି ପିଲେ। ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ, ଲେଖିଥିଲି ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖିଛି ନା ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକା ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ। ତ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଲେରିଆଲ୍ ୱର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱର୍ମ କରାଏ। ୱର୍ମ ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱର୍ମ, ଫିତାକୃମି, ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ, ତ ୱର୍ମ ଗୁଡ଼ା କରାନ୍ତି। ୱର୍ମ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ୱର୍ମ ଲେଖିଦେବ, ଫାଇଲେରିଆଲ୍ ୱର୍ମ, ଫାଇଲେରିଆରୁ ଆସିଛି ଫାଇଲେରିଆଲ୍ ୱର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାନ୍ ମାର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ପିଲେ, ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍କୁ ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ ହେବ କେମିତି, ଲେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଥୋଜେନ୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ବଡି ଭିତରକୁ, ପାଥୋଜେନ୍ ଗଲା ପରେ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ। ତ ପାଥୋଜେନ୍ଟା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ପିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗଲେ ହିଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ହେବ। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯଦି ତା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ୍ କି ତା ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇଛି ଡିଜିଜ୍ ହେବନି। ତ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମନେ ରଖିବ, ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ ସିସ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, କାହାର, ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ର। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକାର ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଚାରେ। ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ପିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିବ, ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ର ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ ସିସ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ, ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକାର ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ ସିସ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେମିତି ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ର ଅର୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟିଆସିସ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଟା ମନେ ରଖିବ, ମାଇକ୍ରୋଫାଇଲାରୀ, ମାଇକ୍ରୋଫାଇଲାରୀ, ମାଇକ୍ରୋଫାଇଲାରୀ ଇଜ୍ ଦ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ମେକାନିକାଲ୍ ଭେକ୍ଟର ପିଲେ, କହିଥିଲି ଏଇ ଡିଜିଜ୍କୁ କେଉଁମାନେ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଏ, ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଏ ମାନେ ମାଛି। କିନ୍ତୁ ଫାଇଲେରିଆକୁ କିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ, ମନେ ରଖିବ, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଲେରିଆଲ୍ ପାରାସାଇଟ୍। ପିଲେ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଦୁଇଟା ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନୋଫିଲିସ୍, ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ, ଆନୋଫିଲିସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ମ୍ୟାଲେରିଆର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଲେରିଆଟା ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଇଟା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଏ, ମନେ ରଖିବ ଫିମେଲ୍, ସବୁବେଳେ ଫିମେଲ୍, ଫିମେଲ୍ ଆନୋଫିଲିସ୍, ଆନୋଫିଲିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଅଛି, ଆନୋଫିଲିସ୍, ଆନୋଫିଲିସ୍, ଫିମେଲ୍ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଫାଇଲେରିଆକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ, ଫାଇଲେରିଆ ମନେ ରଖିବ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ, ତ ଆନୋଫିଲିସ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ହେଉଛି ଫାଇଲେରିଆ। ସିମ୍ପଟମ୍ ପିଲେ, ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଆମୋଏବାୟୋସିସ୍ର, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ପେନ୍, ପେଟ କାଟିବ, କ୍ରାମ୍ପସ୍ ହେବ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ମ୍ୟୁକସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ପିଲେ, ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟିଆସିସ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବି। ଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ସୋଇଲିଂ ଅଫ୍ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର୍ ଲିମ୍ସ, ସୋଇଲିଂ ଅଫ୍ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍, ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ କ'ଣ ପିଲେ, ଆମ ବଡି ଭିତରେ କିଛିଟା ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ଅଛି, ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ ମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ହୁଅନ୍ତି, ଲିମ୍ଫରୁ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଲୋୟର୍ ଲିମ୍ଫ, ଲୋୟର୍ ଲିମ୍ଫ ମାନେ ମେନ୍ଲି ଗୋଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍କୁ ପିଲେ ଏଲିଫାଣ୍ଟିଆସିସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ, ସୋଇଲିଂ ଅଫ୍ ଲୋୟର୍ ଲିମ୍ଫ, ତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଫୁଲିଯାଏ ପିଲେ, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଲେଗ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଥରେ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର, ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ହ୍ୱାଏ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଲିଫାଣ୍ଟିଆସିସ୍, ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରେ ନା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲେଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଫାଇଲେରିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଏ
ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଲେଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଲୋୟର ଲିମ୍ବ ଲେଖିଛି, ଲୋୟର ଲିମ୍ବ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଫୁଲିଯାଏ, ଏତେ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଲେଗ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟିଆସିସ୍। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ପିଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କଭର କରିଦେଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମୋଇବାଇସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍। ତ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍।